नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों की। नए आईटी नियमों के तहत कू और गूगल ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। अपनी रिपोर्ट में बताया कि कितनी शिकायतें आईं और क्या एक्शन लिया गया। ट्विटर और भारत सरकार के बीच इसी मसले पर लंबे वक्त से विवाद चल रहा है। नए नियम मई महीने से ही लागू हो चुके हैं। नए आईटी नियमों के बीच केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच अभी भी तकरार चल रही है। इन सबके बीच अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने इन नियमों के तहत काम करना शुरू कर दिया है। भारतीय प्लेटफॉर्म क्रू गूगल ने अपनी पहली कंप्लायंस रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही फेसबुक भी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। देश में महंगाई दिन पर दिन इस कदर बढ़ती जा रही है कि जनता का जीना मुहाल हो गया है। लगातार तेल के बढ़ते दामों से जनता को कई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। आज पेट्रोल के दाम एक बार फिर से बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल 35 पैसे बढ़ा है। आज पेट्रोल के दाम बढ़ने के साथ अब दिल्ली में पेट्रोल 99.16 रुपए हो गया है। हालांकि आज डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अभी दिल्ली में डीजल 89 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने राज्य में कोरोना वायरस महामारी से होने वाली मौतों को लेकर बड़ा दावा किया है। डीके शिवकुमार ने कहा है कि राज्य में इस साल कोरोना से 30 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। हमारी पार्टी उन लोगों की लिस्ट बना रही है जिन्होंने इस महामारी की वजह से दम तोड़ दिया। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार मौत के आंकड़ों को कम करके दिखा रही है। इसके साथ पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान का हल निकालने में जुटे पार्टी हाईकमान ने आखिरकार विधायक नवजोत सिंह सिद्धू को बड़ी जिम्मेदारी देने का फैसला कर लिया है। ये संकेत पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत ने दिए हैं। पता चला है कि राहुल और प्रियंका के साथ हुई मीटिंग में प्रदेश कांग्रेस के दो अन्य पदों को लेकर चर्चा हुई है। कांग्रेस का पंजाब प्रदेशाध्यक्ष और 2022 विधानसभा चुनाव में कैंपेन कमेटी का प्रभारी ये दो अहम पद है। सूत्रों का कहना है कि सिद्धू ने इस दो पदों पर अपनी सहमति जताई है। वहीं जुलाई के पहले सप्ताह में पंजाब कांग्रेस का विवाद सुलझा लेने का दावा करने वाले रावत ने बताया कि तीन अहम पदों को लेकर नवजोत सिद्धू के नाम पर विचार किया जा रहा है। बुधवार को नई दिल्ली में नवजोत सिद्धू की प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों के साथ ही मुलाकात हुई थी। पंजाब में भी पार्टी के बीच काफी हलचल तेज हो गई थी। गुरुवार को कैप्टन द्वारा अपने आवास पर कांग्रेस विधायकों, मंत्रियों, सीनियर नेताओं को दिए गए लंच के दौरान भी सिद्धू की प्रियंका और राहुल गांधी से मुलाकात चर्चा का विषय बनी रही। पता चला है कि गुरुवार को नई दिल्ली में हाईकमान ने कई वरिष्ठ नेताओं को इस पूरे मामले को हल करने के काम पर लगा दिया था। आज से शुरू होगा बंगाल का विधानसभा सत्र। सरकार और राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। इस सत्र की शुरुआत में ही ममता सरकार राज्यपाल के बीच टकराव की आशंका तेज हो गई है। इसकी झलक आज दोपहर 2 बजे देखने की उम्मीद जताई जा रही है। बंगाल विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत दोपहर 2 बजे राज्यपाल जगदीप धनखड़ के अभिभाषण के साथ शुरू होगी। लेकिन धनखड़ ने साफ कर दिया है कि जो सरकार ने लिखकर भेजा है वो सदन में हूबहू नहीं बोलेंगे। नियमों के मुताबिक विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण से होती है। इस अभिभाषण को राज्य सरकार तैयार करती है और इसे राज्यपाल को पढ़ने के लिए दिया जाता है। आमतौर पर अभिभाषण में सरकार के कामकाज का बखान और आने वाली योजनाओं का खाका होता है। लेकिन राज्यपाल जगदीप धनखड़ कई मौकों पर ममता सरकार के कामकाज पर सवाल उठा चुके हैं। पंजाब में चुनावी मौसम के बीच बिजली की भारी कटौती हो रही है। राज्य में 15 से 16 घंटे बिजली की कटौती की जा रही है। हालात ऐसे हैं कि सरकारी दफ्तरों में काम के घंटे कम कर दिए गए हैं। साथ ही एसी भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। बिजली कटौती को लेकर विपक्ष कैप्टन अमरिंदर सरकार पर हमलावर हो गया है। इसके मद्देनजर आज अकाली दल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा। पंजाब में हो रही बिजली कटौती से परेशान लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। होशियारपुर जिले में कल गुस्साए लोगों ने होशियारपुर और ऊना रोड ही जाम कर दिया था। बिजली कटौती किसानों के लिए और बड़ी मार है। धान की फसल के लिए बेचैन किसान बिजली कटौती से परेशान है। कल किसानों ने मोगा में लुधियाना फिरोजपुर हाईवे को जाम करके पावर ग्रिड के आगे जोरदार प्रदर्शन किया। भारत के सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल को शीन की गंभीर चोट लगी है, जिसके कारण वो कम से कम 2 महीने तक क्रिकेट से दूर हो सकते हैं। ये तय है कि गिल इंग्लैंड के खिलाफ नॉटिंघम में 4 अगस्त से शुरू हो रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के शुरुआती मैचों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सूत्रों ने गुरुवार को पीटीआई को ये जानकारी दी।
सूत्रों की माने तो शुभमन को शीन स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ है, इसके कारण वो अगस्त इंग्लैंड के खिलाफ पहले तीन टेस्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि रिहैबिलिटेशन पूरा होने के बाद सितंबर में होने वाली अंतिम दो टेस्ट में फिट होने के लिए भी ज्यादा समय नहीं है। समझा जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल में साउथहैम्पटन में संपन्न विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल के दौरान ये चोट बढ़ गई। भारत ने मुकाबला 8 विकेट से गंवाया था। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।